केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिव भक्ति देखने मिली। सिंधिया कावड़ यात्रा में शामिल होकर कावड़ को अपने कंधों पर उठाए नजर आए। कावड़ उठाते वक्त सिंधिया जूते उतारना भूल गए। इस मसले पर कांग्रेस ने सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए उन्हें जूते वाले कावड़े की संज्ञा दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जूते पहनकर कावड़ उठाना विवाद का विषय बन गया है। गुना लोकसभा प्रवास के दौरान सिंधिया कावड़ यात्रा में जा पहुंचे और कांवड़ उठाकर करीब आधा किलोमीटर पैदल भी चले, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की। सिंधिया ने लिखा कि आज गुना में आयोजित कांवड़ यात्रा समापन समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना है। सिंधिया के कांवड़ उठाते समय अपने जूते नहीं उतारने और जूते पहने पहने ही कांवड़ लेकर चलते रहने पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा, केंद्रीय मंत्री सिंधिया यूं तो धर्म के कथित ठेकेदारों के कुनबे में शामिल हैं, प्रचारवादी रक्त भी है, किंतु विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए कि अपने मजबूत कांधों से उठाई जाने वाली पवित्र कांवड़ जूते पहनकर नहीं उठाई जाती। अपने संसदीय क्षेत्र गुना में वे जूते पहनकर कांवड़ उठाने का गुना कर बैठे हैं और किसी भी चरण चुंबक ने उन्हें रोकने टोकने का दुस्साहस नहीं किया, शायद इसलिए कि वे भगवान के कुनबे के ही मंत्री जो हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।